This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. नेरचौक में किराए के कमरे में हुई युवती की मृत्यु के बाद सोमवार को मृतक युवती के परिजनों ने एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री से मुलाकात की और एक ज्ञापन भी प्रेषित किया, जिसमें मृतका के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतका के परिजनों ने एसपी के समक्ष बताया कि उनकी बेटी मंडी जिला के एक निजी संस्थान से जेबीटी की पढ़ाई कर रही थी और नेरचौक में किराए के कमरे में रहती थी। मृतका के पिता हरि सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर को उनकी बात उनकी बेटी के साथ हुई थी और उनकी बेटी ने कहा था कि वह 30 दिसंबर को घर आ रही है, परंतु आधे घंटे बाद उनको मकान मालिक का फोन आता है कि आपकी बेटी तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई है। परिजनों ने मकान मालिक सहित दो अन्य लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। वहीं एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि संदर्भ में पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। और गत दिन 29 दिसंबर को 8 बजे मुझे कॉल आई कि मैंने कॉल की कि आप क्या बड़ी मैं सॉरी हूँ जी। और उसके बाद आधे घंटे के बाद उसी नंबर से मकान मालिक उसी मोबाइल से कॉल करते हैं जी कि आपकी लड़की जो तीसरे मंजिल से गिरी है। जब मैं परिवार लेकर सहित वहाँ नीर चौक मेडिकल में पहुँचा, वहाँ मेरी जो लड़की मृत पाई गई और मुझे इस मकान मालिक पर और जिसकी चाबी हमें मिली है और साथ में जो दूसरी लड़की दीक्षा देवी रहती है, इनके विशेष कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। पिछले दिनों नेर चौक में एक लड़की जो है उनकी डेथ का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई जो है इसमें की गई है। पुलिस स्टेशन बल में इससे संबंधित मुकदमा जो है दर्ज किया गया है, इसमें IPC की सेक्शन 306 में मुकदमा किया गया और जो सस्पेक्ट है हमारा उसमें अरेस्ट किया गया, उनकी पूछताछ की जा रही है। सेलफोन रिकॉर्ड्स और मौके पे उपलब्ध जो भी एविडेंसीज हैं, जिसमें CCTV और अन्य लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी पुलिस इसमें अभी कार्रवाई में ला रही है। पोस्टमार्टम जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में करवाया गया है उसकी रिपोर्ट्स के तहत, और साथ में RFSL की टीम जिन्होंने मौके का निरीक्षण किया है उनकी रिपोर्ट का हम इंतज़ार है। और फर्दर जिस तरह के भी हालात बनेंगे इस केस में हम कार्रवाई करेंगे और मुझे उम्मीद है जल्दी इस केस को पूरा कंक्लूसिवली इन्वेस्टिगेट करके जो है न्यायालय में भेजा जाएगा ताकि आगे का प्रोसेस जो है इसमें निश्चित हो पाए। मैम देखिए, पेरेंट्स जो मिलने आए हैं उनके 2-3 व्यूज़ हैं और कॉल कैसे गई और किस तरह से, वो हमारे क्वेश्चंस भी रहते हैं। सारे क्वेश्चंस जो है फाइल पर एड्रेस किए गए हैं और जैसे कि सभी को विदित है कि पुलिस की केसेस जुडिशियल स्क्रूटनी में जाते हैं और हमारी हर एक गतिविधि पे कटाक्ष और आगे उस पर ऑब्जर्वेशन आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारी जो कार्रवाई है जुडिशियल स्क्रूटनी फेस करेगी और सही तरीके से फेस करेगी। बाकी जो अन्य विषय हैं कि लड़की जो है वो किससे बात कर रही थी या किस समय घटना हुई है, उस पर बहुत सारा विषय जो है पब्लिक डोमेन में शेयर करने के विषय में नहीं है, लेकिन उसको फाइल पर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है। जैसे मैंने पहले कहा, सेलफोन रिकॉर्ड्स और सेलफोन से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेज हैं उनको हम फाइल पर लाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे और जो भी हमारे पास साक्ष्य एविडेंसेज सामने आएंगे और जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे पास आएंगे उसके तहत ही इसमें आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, इस प्रिलिमिनरी स्टेज पे इस पर कुछ भी कहना सही नहीं है क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हमारे पास बची है और मर्डर जैसा क्राइम जो है उसके पीछे मोटिव होता है और एक कारण होता है और उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपना कर रही है। परिजनों ने अनुरोध किया है कि मौके का निरीक्षण किया जाए, वो किया जाएगा और जिन जिन लोगों पर इन्होंने डाउट आज यहाँ पे मेरे समक्ष रखा है उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा, उनसे भी गहनता से पूछताछ होगी। जैसे मैंने पहले कहा, जो भी एविडेंसेज आएंगे और हमारे समक्ष जो भी एक्सपर्ट ओपिनियंस आएंगे उसके तहत ही आगे कार्रवाई होगी। दिव्य हिमाचल TV के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।